वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, बहुत बहुत नमस्कार सबको। मैं आज आपके साथ एक डिस्कशन लेकर आया हूं जो कि रेलवे से रिलेटेड है, और इस डिस्कशन में आज मैं और मिस्टर सौरभ पांडे सर पार्टिसिपेट करेंगे और एक दूसरे से क्वेश्चनेयर्स करेंगे और पूछेंगे कि ये जो न्यूज में चल रहा है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज को लेकर कि रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है रेलवे रेलवे ऑफिसर्स की, सो अब क्या है इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज दोनों की जो कैडर ऑफिसर्स थे दे आर गोइंग टू बी मर्ज्ड एज अ वन सर्विसेज ऑफिसर दैट इज इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफिसर। सो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा सौरभ पांडे सर को कि वो आए और मेरे साथ डिस्कशन करें इस टॉपिक को लेकर जो कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज से रिलेटेड। हेलो, हाय, सो गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम लोग एज अ फैकल्टी अगर बात करें तो बहुत से स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा क्वेरी रहती है कि सर हमने बहुत न्यूज सुनी है रिसेंटली 5 से 6 दिनों में कि रेलवे की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है और रेलवे का जो कैडर है वो रिवाइज हो रहा है और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से एक सर्विस इंट्रोड्यूस होने वाली है जिसमें कि ओवरऑल जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के कैडर ऑफिसर्स थे और जो सिविल सर्विसेज के कैडर ऑफिसर्स थे उनका टोटल मिला के मर्जेंस होने के बाद एक ही सर्विस रह जाएगी दैट इज इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। इस पर आपका क्या काफी बच्चों के मैसेज आए और बच्चों ने ये कहा कि सर इसके ऊपर वीडियो डालिए, कुछ क्लैरिटी नहीं है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवे रहेगा या नहीं रहेगा, कैसे क्या होना है इसमें। अभी तक की जितनी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो मैंने कंक्लूजन निकाला, एक्चुअल में बहुत अर्ली है कमेंट करना क्योंकि अभी एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, यूपीएससी क्या प्लान करेगा, सब कुछ तो अभी क्लैरिफाई है नहीं। मेरा जो अपना मानना है एग्जाम को लेकर, जो भी अनाउंसमेंट हुई है, जो भी यूपीएससी रेलवे चेयरमैन ने भी आज स्टेटमेंट दिया, उसमें यह निकल के आता है कि 5 डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज से रेलवे में होते थे और 3 डिपार्टमेंट सिविल सर्विसेज। यही होता था आठ सर्विसेज, तो रेलवे को जो 8 डिपार्टमेंट डिवाइड कर रखा था 5 डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू और 3 डिपार्टमेंट आपका सिविल सर्विसेज के थ्रू। तो उसमें रेलवे स्टोर, IRSME, फिर सिग्नल वाला डिपार्टमेंट, उसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला, फिर सिविल सर्विसेज में ट्रैफिक वाला डिपार्टमेंट था, इसके अलावा पर्सनल वाला हो गया और अकाउंट्स वाला। ठीक है, अब उसमें ये कह रहे हैं कि हम इसको यूनिफाई करेंगे, जो वर्ड यूज किया है वो इन्होंने बोला यूनिफिकेशन करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, रेलवे काफी टाइम से लॉस मेकिंग कंपनी रही, बिल्कुल, कि इतना बड़ा एम्प्लॉयर है, इतने सारे एम्प्लॉई हैं उसके अंदर कि कभी ये आंकड़ा 12 लाख हुआ करता था, 12.5 लाख हुआ करता था और अब लगातार प्रॉब्लम आ रही है। पीछे भी बैक टू बैक अगर आप पिछले 3-4 साल से देखें, लगातार कई जगहों पर कॉस्ट कटिंग की बात हो रही है, साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, रेलवे सेफ्टी की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो फिर अभी ये आया कि आने वाले कुछ साल में 10 साल के लिए टारगेट है कि 50 लाख करोड़ रुपए रेलवे में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये पैसा आएगा कहां से, है ना? और इसके साथ साथ हम ये भी ध्यान दें कि चारों तरफ डिसइन्वेस्टमेंट का माहौल पहले ही बना हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट की बातें हम कर रहे हैं, रेलवे तो लॉस में है, कई ऐसे PSU जो प्रॉफिटेबल थे एक टाइम पर, हम उनको भी डिसइन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट आप ये समझे, गवर्नमेंट को चाहिए मनी, इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है, डिमोनेटाइजेशन रहा हो चाहे उसके बाद और भी बैक टू बैक डिसीजन है, इकोनॉमी के इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने लगातार कहा कि इकोनॉमी किस नाम पाएगा, स्लोडाउन है, ग्लोबली स्लोडाउन तो है, पर हमारे कुछ डिसीजन भी हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जो सही ट्रैक पर इकोनॉमी चल रही थी हमने उसको अपने पैर पर बढ़ाई मारी, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। सो इन टोटलिटी हम ये कह सकते हैं कि रेलवे की रीस्ट्रक्चरिंग जो हो रही है, हाँ, ये कहीं ना कहीं एक डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट हो सकती है। देखिए आप, तेजस ट्रेन जो इन्होंने चलाई है वो पहली प्राइवेट ट्रेन है इंडिया की, IRCTC कंट्रोल कर रहा है, फिर अभी टारगेट है कि 50+ स्टेशन 150+ ट्रेने उनको प्राइवेटाइज करना है। हबीबगंज स्टेशन ये भोपाल में डेवलप किया वो तो प्राइवेट मॉडल की है। सो मुझे जो ऐसा फील होता है कि रेलवे की अगर ऑफिसर लेवल पर रीस्ट्रक्चरिंग होगी, सो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज पे क्या इसका इंपैक्ट दिखाई देता है, जो मेरे को फील होता है वो ये है कि कहीं ना कहीं देयर विल बी अ टू एग्जाम्स, दो एग्जाम होंगे जिसमें कि एक इंजीनियरिंग सर्विसेज जो अपीयर होते हैं स्टूडेंट्स वो तो देंगे ही देंगे,
एक उनको अलग से टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, उनको एक अलग से एक एग्जाम देना पड़ेगा जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने एक डिस्कशन में ये बात बोली भी है कल। यार आप ये बताइए, जो बच्चा इंजीनियरिंग सर्विसेज देता था 16 तक आप जो पेपर कराते थे उसमें जीएस का पेपर वन जो होता था, ये जीएस का जो पार्ट होता था पेपर प्रीलिम्स में, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह आते थे और वो क्वेश्चन एक जनरल नेचर के होते थे, वो एक एवरेज बच्चा भी तैयार कर सकता था। अब यहाँ पे एक दो चीजें से निकल के आती है कि या तो ये एग्जाम सिविल सर्विसेज से, जैसे बोला कि यूपीएससी कराएगा, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के थ्रू अगर आपने ये रिक्रूटमेंट करना शुरू किए तो जो बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी मेन अप्रोच टेक्निकल को रख के और जीएस को थोड़ा कम करके भी काम चल जाता था, क्या आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज होने पर वहां जीएस मेन रोल प्ले कर देगा? टेक्निकल अपने आप में इतना सिलेबस है, वास्ट एरिया है, फिर जीएस भी इतना टफ कर देना कि वो बच्चा प्रीलिम्स में जाके क्या मतलब उतना प्रैक्टिकल है बच्चों के लिए, इतना आसान नहीं है। और अगर वो इंजीनियरिंग कोर में जाएगा तो वो सिविल में क्यों चला जाएगा? और अभी जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है, ये जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि देयर विल बी अ टोटल 5 सर्विसेज, इन 5 सर्विसेज देयर विल बी अ 4 सर्विसेज फ्रॉम द टेक्निकल फील्ड एंड 1 सर्विसेज फ्रॉम द नॉन टेक्निकल फील्ड। सो अब 4 जो टेक्निकल सर्विसेज हैं, जो आईआरएमएस में जो 5 कैडर हैं जो कि कॉमन सर्विसेज हैं, मतलब बेसिकली आईआरएमएस सर्विसेज में 5 लेवल के ऑफिसर्स हैं जो कि 4 लेवल के ऑफिसर्स टेक्निकल कैटेगरी के होंगे, 1 लेवल का ऑफिसर नॉन टेक्निकल कैटेगरी का है। सो बात यहां पर क्वेश्चन ये आता है सौरभ सर कि जो ये टेक्निकल ऑफिसर्स होंगे या जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड ऑफिसर्स होंगे, उनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा? ये एक अपने में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ, देखिए टेक्निकल के लिए दो चीजें हैं, सबसे मेन पॉइंट मेरा ये है, ये सीधा सीधा एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पर इंपैक्ट पड़ेगा। ये बात है, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जब आप इतने सारे डिपार्टमेंट को यूनिफाई करेंगे, आपने खुद ही कहा कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता डिपार्टमेंट में, फंक्शनिंग बड़ी अच्छी नहीं हो पाती है, वो कहीं ना कहीं सारी बातें जब मर्जर करेंगे डिपार्टमेंट जब यूनिफाई करेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगी, इसमें मुझे लगता है सर नंबर ऑफ वैकेंसीज तो कम होंगी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। देखिए अगर इन टोटलिटी एक हम मान के चले तो रेलवे की हर साल जो इंजीनियरिंग सर्विस में वैकेंसीज होती हैं वो लगभग 30-40% तो होती है। सो 30% या 40% आपने रेलवे निकाल दिया तो बचा क्या। सो टोटल मिला के 60% रह जाता है आपके पास टोटल वैकेंसीज, और 60% वैकेंसीज मुझे लगता है किसी भी टोटल की अगर हम देखें एक ऑन एन एवरेज 250-300 वैकेंसी देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों में। सो 250-300 वैकेंसीज हम सिविल इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या टोटल हम 500 मान लेते हैं जो टोटल सारे ब्रांचेस को इंक्लूड करके 500 में अगर 60% आपके पास वैकेंसीज रह जाएंगी तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन हो ही रही है, ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अब बात यहां पर ये आती है कि इसको यूपीएससी कैसे रीस्ट्रक्चर करता है, क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है इन फ्यूचर, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है जिसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आई थिंक। और मुझे उम्मीद है कि एक साल के अंदर अंदर यूपीएससी अपना डिसीजन या यूपीएससी अपनी रिकमेंडेशन डीओपीटी को दे देगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को, और वो उसके बाद रिव्यू करने के बाद इसके ऊपर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये डिजास्टरस होने वाला है। दो तीन पॉइंट जो मुझे समझ आए, पूरा मैंने जब इसको एनालाइज किया, अगर मान लीजिए 500 वैकेंसी अभी आती है ना, अब उसमें जब ये रेलवे मान लो अगर 130-150 जो भी दे रहा है उसको अगर हम मान लो ले गए इसमें इसके अकॉर्डिंग जो यूपीएससी जो कराने वाले हैं आईआरएमएस, तो उतनी वैकेंसी चली गई। अब पूरे में से एक बड़ा चंक जो है वैकेंसीज का वो आपने सिविल्स की तरफ आप ले गए, वैकेंसी कम हो गई ईएस की तरफ। ईएस का जो नेचर है एग्जाम का और जो वो नेचर एग्जाम का होगा उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा, फिर कुछ जो क्रीमी स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है वो बच्चा ईएस में जो सेलेक्ट होगा, और अगर वही बच्चा वहां पर भी एग्जाम देगा तो वो एक ही बच्चा दो दो सीटों को होल्ड करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे कि गेट में हमारे देखते हैं सेम बच्चा पीएससी में 4-4 सीटें होल्ड कर रहा है, जाएगा तो किसी एक ही जॉब में पर वो 2-3 सीटें और ऑक्यूपाई कर रहा है, इसी तरह की प्रॉब्लम मुझे लगता है इसमें भी आगे आएगी कि जो बच्चे पहले ही परेशान है, सीटें लिमिटेड है, यूनिफिकेशन होने से नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम हो रही है और उन बची हुई वैकेंसी में भी एक ही बच्चा दो दो सीटें होल्ड कर रहा है, तो और ऑप्शन जो है और लिमिटेड हो जाएंगे इंजीनियरिंग के। बिल्कुल बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस जो पहले इंजीनियर के पास हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा थे कंपैरेटिवली आज से अगर हम 6-7 साल पहले देखें, क्योंकि उस वक्त गेट का एग्जाम एक अलग होता था और पीएसयू के एग्जाम भी अलग अलग होते थे।
जब से पीएसयू के साथ गेट मर्ज हुआ है तब से नंबर ऑफ ऑप्शंस भी मेरे को लगता है टाइम के साथ कम हुए हैं स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अब स्टूडेंट के पास एक ही दिन का टाइम रह गया है कि अगर गेट अच्छा हुआ तो सारे एग्जाम अच्छे हुए, गेट अच्छा नहीं हुआ तो सारे एग्जाम खराब हुए। आप सोच सकते हो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो भी लेवल है, हाँ, एज ए टीचर 8-9 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने साल से आप पढ़ा रहे हो, क्या वो अपने आप में कम सिलेबस है या एग्जाम क्या कम टफ है? और इनफैक्ट आप देखिए 2016 में तो और रिवाइज हुआ था सिलेबस, रिवाइज हुआ अभी तुरंत और कुछ दिन पहले रिवाइज हुआ, रेलवे के रिकमेंडेशन पे हुआ था। अब जब आप उसको नए मॉडल में कराने की बात कर रहे हो सिविल सर्विसेज वाले में, उस एग्जाम का लेवल क्या होगा? आप उसको ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी सब उतना डिटेल में पढ़वाओगे, फिर टेक्निकल भी इस लेवल पे आप पढ़ोगे, आप करना क्या चाहते हो? मोर और लेस इस बात को अभी जज करना बहुत टफ है कि क्या पैटर्न रहने वाला है, बट ये तो तय है कि जो प्रीलिम्स कराएंगे वो सिविल सर्विसेज के थ्रू होगा, जैसे फॉरेस्ट वाला एग्जाम होता भी है, होता है। और ये बात प्रीलिम्स अपने आप ही कराना बहुत टफ हो जाएगा, ऑप्शनल जैसे कराते हैं तो टेक्निकल ऑप्शनल में अभी भी है। बिल्कुल, और ये बात रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने शायद अपने इंटरव्यू में बोली भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ उनका इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने बोला है कि एक देयर विल बी अ वन प्रीलिम्स एग्जाम, हां यस, फॉर द नॉन टेक्निकल जॉब्स एंड फॉर द टेक्निकल जॉब्स, राइट। So, दोनों जॉब्स के लिए एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो उस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा सो एज अ ऑप्शनल एक टेक्निकल ले सकता है, एक नॉन टेक्निकल ले सकता है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, तो कितना टफ होने वाला है। सो ये जो एक हिंट मिला है, अब इसमें कितनी गहराई है इस बात को तो बोलना भी सही नहीं रहेगा। ऑब्वियसली बात है, देखो रेलवे की वैकेंसी यूपीएससी में जाएगी तो सिर्फ रेलवे की 100-150 वैकेंसी के लिए प्रीलिम्स अलग से तो नहीं करेगा वो। बिल्कुल, ये बात श्योर है, सिर्फ 100-150 वैकेंसी के लिए अलग से प्रीलिम्स को कंडक्ट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं वो सिविल सर्विसेज साथ ही कराएगा, क्योंकि अगर ये होता तो फॉरेस्ट सर्विसेज में हो गया होता, है ना। तो उसी प्रीलिम्स को करके उसी में डिपार्टमेंट ऐसे बांट देंगे, और मेंस कराते कराने के टाइम पे ये टेक्निकल का दे देंगे, फॉरेस्ट वाले अपना ये दे देते हैं, सिविल वाले अपना। मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज की तरफ स्टूडेंट्स का जो रुझान है या जो इंटरेस्ट है वो हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़े, अगर ये सर्विसेज इनिशिएट हो जाती है आने वाले टाइम में तो। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो नॉन टेक्निकल फील्ड्स को बिलोंग करते हैं, वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं, आप मुझे एक पॉइंट ये बताइए, जो बच्चे पहले भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालने के बाद वो सिविल्स देते थे, ऑप्शनल उनका टेक्निकल वो ऑप्ट कर लेते थे, तो वो बच्चा टेक्निकल की तरफ सोचने के बजाय वो सीधे आईएएस आईपीएस को फोकस नहीं करेगा, जब प्रीलिम्स उसको कॉमन देना है, टेक्निकल उसको अपने एग्जाम में देना ही है, तो वही टेक्निकल सिविल्स ऑप्शनल में भी अवेलेबल है। बिल्कुल, तो वो बच्चा अच्छा नहीं होगा सिविल्स के लिए तैयारी करना शुरू करते स्टार्टिंग से ही, तो ये तो हमेशा से ही बेटर रहेगा अगर ये सर्विसेज इनिशिएट हो जाती है। हाँ, बट लेट्स होप। अभी एक चीज और देखने को आई है कि इंडियन रेलवे सर्विसेज को अगर हम देखें तो तीन यहाँ पर आपकी सर्विसेज हैं जो कि सिविल सर्विसेज के थ्रू ऑलरेडी है, सही बात है, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, एंड यहाँ पर पांच सर्विसेज ऐसी हैं जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू थी, इंडियन रेलवे सर्विसेज फॉर इंजीनियर, दैट इज फॉर द सिविल इंजीनियर, इंडियन रेलवे सर्विसेज फॉर सिग्नल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विसेज फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज, इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिकल, इंडियन रेलवे सर्विसेज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। सो पांच सर्विसेज यहाँ पर थी। ये पांच सर्विसेज में अगर आप हायरार्की देखें, मैं एक थोड़ा सा एक एनालिसिस किया था, अभी मैं बैठा हुआ था तो 5-10 मिनट मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया और देखा कि जो चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के वो मैक्सिमम टाइम इंजीनियरिंग फील्ड के ऑफिसर्स थे या फिर वो थे जो कि ईएससी क्रैक कर रेलवे काफी कम एज में सेलेक्ट हो जाते थे, तो काफी एवरेज जो एज थी, एवरेज जो एज थी ऑफिसर्स की रेलवे में जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू सिलेक्ट होते थे वो 22-23 है, और वहीं सिविल सर्विसेज के थ्रू रिक्रूटेड ऑफिसर्स की जो एज है एवरेज एज वो 26-27 है। सो ऑब्वियसली सीनियरिटी में उनको इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों को फायदा मिलता था, तो चेयरमैन पोस्ट में चेयरमैन बनने के चांसेस ज्यादा रहते थे। अभी एक ये भी अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था इसके ऊपर, राइट अप आया हुआ था कि सीनियरिटी को लेके भी डिफिकल्टी होगी, जो लोग पहले सिस्टम में थे उस नए सिस्टम में आ रहे हैं, सीनियरिटी डिसाइड कैसे होगी इसको लेके। और ये एक कहीं ना कहीं कोई माने ना माने जो मैंने फील किया है कि रेलवे में कोऑर्डिनेशन जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स और इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर में दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं लैक करता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज वाले कहीं ना कहीं उस लेवल पर। मेरा तो देखो ये मानना है कि जब बच्चा तैयारी शुरू करता है हाँ, तो ग्रुप ए गेस्टेड है ना हाँ, उतना ही काफी है, अंदर उसकी सीनियरिटी कहाँ तक हुई कहाँ तक जाएगा इतना वो आगे नहीं सोच रहा, उसको तो बस एंट्री चाहिए, ग्रुप ए गेस्टेड जॉब है उतने में अभी सेटिस्फाई है, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन को जानता भी नहीं होगा आज के डेट में, तो अभी तो हमें ये देखना है कि इतना मास तैयारी कर रहा है उसके पास नंबर ऑफ सीटें कितनी है, यही वाला पर्पस है। सो मोर ऑर लेस दो चीजें हैं, नंबर ऑफ सीटें एक तो कम हो रही है
और एग्जाम उतना टफ होने जा रहा है कि बच्चा कैसे तैयारी करेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मेरा तो देखो ये कहना है, कोई कुछ भी कहता है, मैं सुन रहा था कुछ लोग कह रहे थे कि इंजीनियर सीनियरिटी में बहुत ऊपर तक जा पाएंगे। अरे ऊपर जाने की बात तो बाद में है, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है एक सीट पे एक बच्चा बहुत ऊपर चला जाए। नहीं मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 बच्चे आ गए हैं। उसी बात पर कंक्लूड कर रहा था कि अब मुझे नहीं लगता कि जो इंजीनियर्स पहले पहुंच पाते थे जिस सीनियरिटी तक उस सीनियरिटी तक पहुंच पाएंगे आगे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के इनिशिएट होने के बाद, क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं एग्जाम जो है वो कॉमन हो चुका है सिविल सर्विसेज वालों के लिए और इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों के लिए। पहले एग्जाम डिफरेंट था, एवरेज एज अलग अलग थी, बट अब एवरेज एज जो है मोर ऑर लेस हो सकता है सेम हो जाए। सो उस केस में मुझे तो नहीं लगता कि कोई बेनिफिट पहुंचने वाला है इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर्स को विद रिस्पेक्ट टू हायरिंग, राइट। और मैं तो इसको आगे भी जो पैसा देख रहा हूं, मैंने जो सोचा इतने साल से चल रहा है घाटे में, रेलवे घाटे में है, इतनी घाटे में है तो जो इतने बड़े बड़े आपके ये अधिकारी हैं, इतने सारे मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, इन लोगों को जो फ्री पास मिल रखे हैं, इवन छोटे एम्प्लॉई को भी, ये पास क्यों बांटते थे? इतने सारे लोगों को पास देना, फ्री ट्रेवल देना, महीने में लोग कितना कितना ट्रेवल करते हैं, तो क्या इससे नुकसान नहीं है? एयर इंडिया में जो इतने लोग घूमते हैं फ्री में पासेस वगैरह ले लेते, क्या ये इससे नुकसान नहीं होता? नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है। और इतने साल से रेलवे नुकसान में है तो फिर ये सब बेनिफिट भी खत्म किए जाते हैं। बिल्कुल, ये पार्ट ऑफ सेकंड डिस्कशन भी हो सकता है, ये पार्ट ऑफ सेकंड डिस्कशन भी हो सकता है जो आपने बात रखी है फ्री पासेस को लेके। बट एक बात, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट होता है, इतनी चीजें आप देखो इग्नोरेंस की तरफ है, तो घाटा तो उससे भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे थे, और देखिए तो आपको भी पता है कि रेलवे के प्रोजेक्ट्स काफी डिले चलते हैं, बहुत बुरी हालत है, बहुत ज्यादा। अभी कुछ टाइम जो हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स स्पीड अप हुए हों, बट मोर ऑर लेस जो पुराने टाइम आपने तो इतने साल काम किया है उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं डिले जो चलते हैं उसके पीछे एक रीजन सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आता है वो है कॉस्ट, कि टाइम के साथ कॉस्ट बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ डिले भी हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, टाइम पर कंप्लीट भी नहीं हो रहा, जो कॉस्ट लगनी थी एक्स वो कॉस्ट बढ़कर वाई हो चुकी है। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को जो हम सरकारी टर्म्स में बोलते हैं उनको बोलते हैं सफेद हाथी, वाइट एलिफेंट, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक टर्म भी यूज होती है वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स। सो वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स में रेलवे तो कहीं ना कहीं बहुत आगे दिखाई देता है, रेलवे और हाईवेज के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत आगे दिखाई देते हैं। सो इन सब चीजों को हमें ध्यान देना पड़ेगा आने वाले टाइम पर। अगर जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस की बात है उसकी वजह से अगर हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि रीस्ट्रक्चरिंग करने से इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस या जो भी आपके जो लॉसेज हुए हैं फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं वो लॉसेज रिकवर हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं समझता। बेटर है कि हम उन बातों पर ध्यान दें जो कमियां हमने पिछले सालों में की हैं विद रिस्पेक्ट टू डिले ऑफ द प्रोजेक्ट्स, विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, उस पर अगर हम फोकस ज्यादा करते हैं, उस पर मैन पावर, उस पर ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा लगाते हैं, उस पर ज्यादा फोकस रखते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। सबसे पहले तो मुझे लगता है करप्शन को टैकल करना चाहिए। हाँ, सो करप्शन के बड़े लेवल पे है, अभी से छुपा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बच्चा जब इवन बच्चे तैयारी करते हैं तो पहली चॉइस लोग रेलवे भरते हैं। बिल्कुल, सीपीडब्ल्यू भरते हैं, सिविल वाला सीपीडब्ल्यूडी, मैकेनिकल वाला रेलवे। बिल्कुल, सबको ये रहता है कि वहां तो बहुत कमाई होती है सर, और कुछ लोग घाटे में, दूसरा प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिए, तो क्या हमें नहीं लग रहा कि ये सब एक तरह से टाइटनिंग है कि कैसे जॉब्स को इनडायरेक्ट वे में कम कर दिया जाए और आगे जाके प्राइवेटाइज किया जाए? क्योंकि घाटे में आप कह रहे हो प्राइवेटाइज करना आपने शुरू कर दिया, डिपार्टमेंट यूनिफिकेशन की आप बात कर रहे हो, मतलब लिमिटेड मैन पावर ज्यादा काम करे, एफिशिएंटली वर्क करे, मतलब यही होता है कम मैन पावर ज्यादा काम करे, तो क्या प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जा रही चीजें? मुझे ऐसा फील होता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले टाइम को ध्यान में रखकर, बट इट इज वेरी अर्ली टू से राइट नाउ कि ये प्राइवेटाइज होएगा ही होएगा कंप्लीटली तो मुझे नहीं लगता, पार्शियली तो शुरू कर दिया, क्योंकि रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जिसको हम कंप्लीटली प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, बिकॉज़ इट इज समवेयर एसोसिएटेड विद द सोशल कॉज। सो एयर इंडिया के लिए भी अगर 25 ईयर पहले भी कहता तो कौन सोच पाता? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, 25 साल पहले भी कौन सोच पाता? आज तो रोज चल रहा है कोई आगे खरीद ले, कोई आगे खरीद ले। सो हम इस डिस्कशन को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं इस तरीके से कि रेलवे की जो रिस्ट्रक्चरिंग होने जा रही है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से, इसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम लेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में
गवर्नमेंट कुछ ऐसे बेनिफिशियल स्टेप्स लेगी जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, जिससे कि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा कम ना हो, ज्यादा फर्क ना पड़े इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, ज्यादा नुकसान ना हो। इस उम्मीद के साथ मैं इस डिस्कशन को कंक्लूड करता हूं और थैंक यू कहना चाहता हूं सौरभ सर को। थैंक यू, है ना। थैंक यू। थैंक यू।